हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 55, जहां पर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव है उसको पहले ही पढ़ के रखा है, जहां पर इसके एक्टिव की जो पहचान थी ना वो क्या थी, चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी और ए होगी। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा था, सब्जेक्ट। बात अगर ग्रामर की जाए तो आई और वी के साथ हमें सेल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना था, विल। तो माइंड कीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल और सेल का यूज ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर बात स्पीकिंग की हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ठीक बाद आपको क्या रखना होगा, विल है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या रख दीजिए, ऑब्जेक्ट। तो फिर से माइंड कीजिएगा, बात अगर ग्रामर की है तो आपको आई और बी के साथ सेल का यूज करना है। लेकिन अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप सबके साथ विल का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस की। तो इसकी पहचान देखिए मैंने क्या लिखी है, जा चुकेगा, जा चुकेगी, जा चुकेंगे, या फिर जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुकी होंगे, या फिर इसकी एक पहचान और होगी और वो क्या होगी, गया होगा, गई होगी और गए होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव का सेंटेंस चाहे जिस कॉलम का हो, इंडेफिनिट का हो, कंटीन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, हमें सभी जगह सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही रखना होगा। और यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, विल हैव बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म। लास्ट में बाय और उसके बाद हमें क्या ऐड करना होगा, सब्जेक्ट को। अब फ्रेंड, सेंटेंस का जो ये पार्ट है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। माइंड कीजिएगा, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये फिक्स हो जाएगा। सारे स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो सबसे पहले आपको क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, और विल के ठीक बाद क्या रखना होगा, नॉट। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसे ही आपको रखते जाना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। और फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए तो आपको सिर्फ विल को पहले रखना होगा, ऑब्जेक्ट के पहले विल को ऐड कीजिए, हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं क्या एग्जाम्पल कैसे बोले और बनाए जाएंगे। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी भोजन बना चुकेंगी तो हमारा सेंटेंस कहाँ का हो गया, एक्टिव का। और इसे मुझे अगर पैसिव करना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि मम्मी के द्वारा भोजन बनाया जा चुकेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर बनाकर भी देख लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा होता कि वह गाना गा चुकेगी, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कहां का हो गया, एक्टिव का हो गया। अब अगर सेंटेंस एक्टिव का है तो उसका एक्टिव से बना लीजिए, सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट। अगर मैंने आपसे कहा होगा गाना गा चुकेगी, यानी मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऐड किया, सी। अब इसके ठीक बाद यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, विल है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है जो कि क्या थी, गाना। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG। और इसके बाद ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दीजिए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सी विल हैव संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकेगी। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसी को पैसिव करूं तो मैं कैसे बोलूंगा कि उसके द्वारा गाना गाया जा चुकेगा। अब फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस ये पैसिव का है तो इसको पैसिव से बनाना है, और सबसे पहले में क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट रखना होगा। अगर बात ऑब्जेक्ट की है तो सबसे पहले हमें वर्ब को ढूंढना है और क्वेश्चन करना है कि क्या गाया जा चुकेगा, तो आंसर क्या आएगा, गाना, और यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, अ सॉन्ग, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, विल हैव बीन, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए। फिर हमें रखनी क्या है यहाँ पर, बीन, बीन को भी आपने ऐड करना है यहाँ पर, कर दो आप। और मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब तो हमारी अभी भी क्या है, गाना। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, A song will have been sung, और by के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, her, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे थे, लड़की की। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, A song will have been sung by her, उसके द्वारा गाना गाया जा चुकेगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर दूं और मैं आपसे कहूं कि क्या वह गाना गा चुकेगी, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब विल को सब्जेक्ट के पहले ऐड करना होगा।
तो माइंड आपको ये करना है कि यहाँ पर सिर्फ विल को ही आप पहले रख सकते हैं, हैव के साथ कुछ नहीं करना। सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि विल सी हैव संग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा चुकी थी। और अगर फ्रेंड्स इस एक्टिव सेंटेंस को मुझे पैसिव करना होता तो मैं आपसे क्या बोलता कि क्या उसके द्वारा गाना गाया जा चुकी है। और अगर इसको अगर मुझे बनाना होता तो मुझे फिर से क्या करना होगा, इस विल को पहले लिखना होगा और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर, क्या उसके द्वारा गाना गाया जा चुकेगा। और फ्रेंड्स अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस प्रकार से बोलूं कि व्हाई विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर, तो हिंदी क्या हो जाएगी कि उसके द्वारा गाना क्यों गाया जा चुकेगा। और अगर इसको मुझे एक्टिव करना होता तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से यहां पर क्या जोड़ देना है, वाई को जोड़ देना है और सेंटेंस क्या बनेगा, वाइल विल सी हैव संग अ सॉन्ग, तो हिंदी क्या हो जाएगी कि वह गाना क्यों गा चुकेगी। तो आपने देखा कि एक्टिव और पैसिव और एक्टिव को आपस में कैसे बदला जाता है। अब फ्रेंड्स बात अगर प्रैक्टिस की जाए तो आपको सेंटेंस लेकर उसको एक्टिव और पैसिव में चेंज करते रहना है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी विल हैव कुक्ड फूड, तो हिंदी क्या होगी कि मम्मी भोजन बना चुकेंगी, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया जा चुकेगा। पापा विल हैव डिपॉजिटेड मनी, पापा पैसा जमा कर चुकेंगे, मनी विल हैव बीन डिपॉजिटेड बाय पापा, पापा के द्वारा पैसा जमा किया जा चुकेगा। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुकेगा, एंड दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुकेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो करते रहिए प्रैक्टिस। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।